हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रद्धा एडुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का अपना टॉपिक है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा ज़िले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर ऊंचाई है इसकी, और अगर फीट में देखा जाए तो 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। तो इसमें से यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसका अनावरण कब किया गया, तो सीधी सी बात 31 अक्टूबर 2018 को आप याद कर लें। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस स्थान पर किया है? गुजरात के नर्मदा ज़िले में किया है। और इसकी अगर ऊँचाई पूछी जाए तो 182 मीटर और फीट में हो जाएगी 597 फीट, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो आगे देखते हैं। स्थान: साधु वेट द्वीप सरदार सरोवर बांध के निकट गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत का। नेक्स्ट देखते हैं आधार के साथ ऊंचाई। अगर आधार मिला दिया जाए तो 240 मीटर हो गया, और 182 तो इसका है ऊंचाई, आधार के साथ है 240, तो यहाँ पे आ गया 8 और 13, यहाँ आ गया 5 और ये किधर से चला गया, तो इसका आधार हो गया 58 मीटर का इसका आधार आएगा। अगर आधार पूछ लिया जाए तो 58 मीटर आप यहाँ से इसको निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आप इसके। और फीट में अगर पूछा जाए तो 787.40 फीट हो जाएगा। इसके जो शिल्पकार हैं वो राम वी सुतार हैं। निर्माण कंपनी एल एंड टी। कुल लागत जो है वो है 2400 करोड़, और अतिरिक्त 650 करोड़ इसके रखरखाव में खर्चा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को